हाँ जी बच्चों, मुझे टेस्ट में क्वेश्चन दिया है। एक राइट ट्रायंगल है एसीबी, ठीक है। डी मिड पॉइंट है बीसी का, सी 90 डिग्री है ही हमारे पास, एंगल सी ए डी एक्स डिग्री है, एंगल सी ए डी वाई डिग्री है। तो डायग्राम में शो कर रखा है फाइंड कोट वाई अपॉन कोट एक्स। क्या होगा फाइंड कोट वाई अपॉन कोट एक्स? तो कोट वाई की बात करूं अगर मैं, कोट ऑफ वाई, ठीक है, इस एंगल का कोट। तो जब भी मैं किसी एंगल पे कोट की बात करता हूं, तो कोट आपके माइंड में क्या आता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाला बेस होता है, क्योंकि 90 के सामने वाला तो डिसाइडेड है हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी जो दो साइड रह गई उनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर। तो हम बेस कौन सा लेते हैं एंगल के साथ वाला? AC अपॉन BC। अब कोटेक्स बताओ क्या होगा? सेम लॉजिक से कोटेक्स के लिए कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? ACD। कोट वाई के लिए कौन सी ट्रायंगल? ये भी लिख देना, ACPB। और कोटेक्स के लिए कौन सी ली? ACD। प्रॉपर लिखोगे कि चीज तभी मार्क्स मिलते हैं अच्छे से। तो कोटेक्स क्या होगा बेटा? AC अपॉन BC। इवन आप ये भी लिखना कि कोट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये भी लिख के आना अच्छे से, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में एक चीज एक्सप्लेन करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब उसका रेशियो पूछा, कोट वाई अपॉन कोट एक्स। कोट वाई है एसी अपॉन बीसी, कोट एक्स है एसी अपॉन डीसी। एसी से एसी कट, बीसी ऊपर चला गया, बीसी नीचे आ गया। अब डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीसी को पूरा जो बीसी है उसको ट्वाइस ऑफ सीडी भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डीसी से डीसी कट गया, आंसर आया कोट वाई अपॉन कोट एक्स का जो रेशियो आया वो 1/2 आया। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? 1/2, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, इजी है लेकिन कई बार कंफ्यूज कर